मालवीय आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में जिन्हें भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के प्रणेता या नेता भी कह सकते हैं या आप प्रमुख समाज सुधारक भी कह सकते हैं। प्रमुख समाज सुधारकों में कुछ समाज सुधार आंदोलन हुए थे जैसा कि आपके सामने मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं ताकि ज्यादा समय हमारा नष्ट ना हो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के आसपास राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 के आसपास स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के आसपास की थी स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी 1867 के आसपास केशव चंद्र सेन ने। यंग बंगाल की स्थापना की थी 1826 के आसपास हेनरी विलियम डेजोरियो ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना लगभग की गई थी 1932 के अंदर महात्मा गांधी ने। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 के आसपास की गई थी शिवदयाल साहिब जिन्हें तुलसीदास भी कहा जाता है इनके द्वारा। उसके बाद में देवबंद समाज की स्थापना 1867 में रशीद अहमद गंगोही ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सर वॉलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने की थी 1875 के आसपास। शारदा एक्ट जो पारित हुआ था जो बाल विवाह को लेकर बना था वह हरविलास शारदा ने 1829 के आसपास किया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के आसपास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इस तरह से ये प्रमुख समाज सुधार आंदोलन हुए थे हिंदुस्तान के अंदर। और इन समाज सुधार आंदोलनों में जो ऊपर वाले जो प्रमुख तीन आंदोलन है उसकी डिटेल्स आपको पूछी जा सकती है, बाकी कुछ छुटपुट एक दो लाइनें आपके एग्जाम में क्लिक की जा सकती है। इसलिए ज्यादा देखिए इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें आपको पता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न पढ़ने लायक भी है। और जो ऊपर वाले तीन प्रमुख समाज सुधारक हैं जैसे कि स्पेशली राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इनकी थोड़ी बहुत डिटेल आपको पूछी जा सकती है। इसलिए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वह 1775 के आसपास हुआ था। हुगली एक जगह है, हुगली के पास में राधानगर नाम का गांव था, वहां जन्म हुआ था रमाकांत राय के घर में जो पश्चिमी बंगाल में है। देखिए बचपन से ही राजा राम मोहन राय जो है वह बचपन से ही समाज सुधार और भारतीय समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनके कट्टर विरोधी थे। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में आई बुराइयों का अंत चाहते थे, इस कारण से उन्होंने बचपन से ही इन चीजों को करने की ठानी थी। स्पेशली उस समय भारत में जो सबसे बुरी स्थिति से एक प्रथा गुजर रही थी जिसको कहते हैं सती प्रथा, तो सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था। और ये आंदोलन इन्होंने चलाया था लगभग 1818 ईस्वी को, और 1829 ईस्वी के आसपास यह आंदोलन खत्म भी हो चुका था। 1829 ईस्वी के आसपास राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित करवाया। सती प्रथा अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध इन्होंने जो कानून पारित करवाया था उसके आर्टिकल 17 के अंदर सती प्रथा को बैन कर रखा था। और इस कानून को बनाने में राजा राम मोहन राय की जो साथ दिया था वह उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था विलियम बैंटिंग की सहायता से इस कानून को रद्द करवाया गया था। और विलियम बैंटिंग ने राजा राम मोहन राय का इस कानून को रद्द करने में काफी हद तक साथ दिया। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में सेंट जॉन्स के साथ में मिलकर। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की आपको कुछ कृतियां भी पूछी जा सकती है, उनकी कुछ रचनाएं भी पूछी जा सकती है, जरा उस पर भी ध्यान देना, प्रमुख पुस्तकें या रचनाएं। राजा राम मोहन राय ने एक अखबार चलवाया था जिसे कहते हैं मिरात उल अखबार। वैसे इनकी पुस्तकों का जिक्र करने जाओ तो काफी लंबा समय लग जाएगा और वैसे भी आपको इतना बारीकी से पूछेंगे नहीं। वैसे भी मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता आ रहा हूं
कि हमारा टारगेट जो है वह एग्जाम क्रैक करना है, न कि किसी टॉपिक पर रिसर्च करना, क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं। ये मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया था अखबार, और एक पुस्तक की रचना की थी संवाद कौमुदी। एक और इनकी पुस्तक थी फुतुहात उल मुवाहिदीन। तो मुझे लगता है कि ये तीन आपसे पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वैसे जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। राजा राम मोहन राय ने करीब 1828 के आसपास ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो जातिवाद, कर्मकांड और सामाजिक कुरीतियों का कट्टर विरोधी था। राजा राम मोहन राय की जो डेथ हुई थी वह हुई थी ब्रिस्टल नामक स्थान पर। यह ब्रिस्टल वर्तमान वेल्स में है, वेल्स यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड का एक हिस्सा माना जाता है। वहां पर उनकी डेथ हुई थी और वहां पर उनकी एक प्रतिमा भी बनी हुई है। खैर, राजा राम मोहन राय से अब बाहर निकलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा भगवान गणेश जी के मंदिर में गया अपने माँ बाप के साथ में। जब भगवान गणेश के मंदिर में गया अपने माँ बाप के साथ में, तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चा है, बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करता है। तो उस बच्चे ने क्या किया कि